चैनल यू नंबर वन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे लॉकडाउन के बाद थिएटर में सबसे पहले रिलीज हुआ सूरज पे मंगल भारी मूवी का कलेक्शन एंड साथ साथ सेकेंड सबसे पहले रिलीज हुआ इंदु की जवानी मूवी का कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले बताते हैं इंदु की जवानी मूवी का फुल कलेक्शन। फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 2020 में डायरेक्टर आबिर सेनगुप्ता एंड लीड रोल कियारा आडवाणी, आदित्य शील एंड मलिका दुए का मूवी इंदु की जवानी मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुआ है। दर्शकों ने इस मूवी को पसंद नहीं किया है एंड क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बहुत ही कम नंबर दिया है, जहां पर 50% अकम्पेंसी के साथ सिनेमा हॉलों में इस मूवी का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ है। मूवी ने 11 दिसंबर यानी फर्स्ट डे में कलेक्शन किया था जस्ट 22 लाख, जहां पर सेकंड डे में मूवी का कलेक्शन था 24 लाख एंड थर्ड डे में इस मूवी का कलेक्शन हुआ था 28 लाख। इसके चलते मूवी का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन था 74 लाख और कल यानी फोर्थ डे में इस मूवी का कलेक्शन हुआ है जस्ट 10 लाख। इसके चलते मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 84 लाख, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन है। जहां पर इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताया तो मूवी ने अब तक टोटल ओवरसीज में कलेक्शन किया है 27 लाख। इसके चलते मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हुआ है 1.27 करोड़, जो हिंदी सिनेमा को देखते हुए बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देख लेते हैं सूरज पे मंगल भारी मूवी का टोटल कलेक्शन। 15th नवंबर 2020 में डायरेक्टर अभिषेक शर्मा एंड लीड रोल दिलजीत दोसांझ, फातिमा साना शेख एंड मानस बाजपेयी का मूवी सूरज पे मंगल भारी मूवी रिलीज हुआ था। मूवी ने ओपनिंग डे से ही कमजोर कलेक्शन किया था, जहां पर मूवी का टोटल कलेक्शन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ है। सूरज पे मंगल भारी मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया था 85 लाख, जहां पर मूवी का फर्स्ट वीक में कलेक्शन था 2.32 करोड़ एंड 20 डेज के बाद मूवी कलेक्शन बंद हो गया था, जिसके चलते मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 3.90 करोड़, जो इंडियन बॉक्स ऑफिस में सुपर फ्लॉप कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, यही था इस दोनों मूवी का फुल कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।